बिहार चुनावों के नतीजे आ जाने के बाद अब सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। राज्य में सियासी दांवपेच के साथ अभी से जमीन तैयार होने लगी है। इस बीच टीएमसी सांसद का एक बयान सुर्खियों में बना हुआ है। लंबे समय से यह कयास लगाया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली राजनीति में आ सकते हैं। भाजपा में शामिल होकर वे चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इन्हीं कयासों पर तृणमूल कांग्रेस की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने इन कयासों पर पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर सौरभ ऐसा फैसला लेते हैं तो उन्हें काफी दुख होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहें। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा कि सौरभ गांगुली सभी बंगालियों के लिए एक आइकन है। अगर वो राजनीति में आते हैं तो यह मेरे लिए खुशी की बात नहीं होगी। वो बंगाल से इकलौते क्रिकेट कप्तान रहे, टीवी शो के कारण भी फेमस हैं। उनका राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं है, ऐसे में वो यहाँ नहीं टिक पाएंगे। टीएमसी सांसद ने कहा कि सौरभ गांगुली को देश और गरीबों की समस्याओं के बारे में नहीं पता है, ना ही उन्हें गरीबी और मजदूरों की दिक्कत की जानकारी है। भाजपा पर तंज कसते हुए सौगत राय ने कहा, भाजपा के पास मुख्यमंत्री पद का कोई उम्मीदवार नहीं है, इसी वजह से वो इस तरह की बातें फैला रहे हैं। इन कयासों और बयानों से इतर बात करते हैं सौरभ गांगुली की। सौरभ गांगुली से भी कई बार सवाल किए गए कि क्या वे राजनीति में आएंगे। खुद सौरभ गांगुली राजनीति में शामिल होने की अटकलों को हमेशा खारिज करते रहे हैं। बीते दिनों जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में थे तब उनसे भी सौरभ गांगुली को लेकर सवाल किया गया था। अमित शाह ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया था और कहा था कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है, जब भी कोई फैसला होगा तो जानकारी दी जाएगी। पश्चिम बंगाल में मई 2021 में चुनाव होना है, ऐसे में अभी से ही टीएमसी और भाजपा में जुबानी जंग जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई सवाल और सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए।